हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एमएन होम सॉल्यूशन। एक ही छत के नीचे मकान बनाने का सभी सामान उपलब्ध। जल्द संपर्क करें एकमी घाट सेंट्रल बैंक के बगल में लहरियस राय दरभंगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें कई मामलों पर विश्लेषण आवश्यक होता है। हम बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में राजनीतिक भूचाल आ गया है। अंदर ही अंदर सभी राजनीतिक दलों में एक अंतर्कलह, विरोधाभास, निराशा नजर आ रही है। चाहे सबसे पहले बता दें, राष्ट्रीय जनता दल में जगदानंद सिंह के इस्तीफे प्रकरण को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन वो भी दबी जुबान से। हम बता दें कि तेज प्रताप यादव, लाल प्रसाद यादव के बड़े बेटे, अपने दर्शन सराय दौरे, अपने क्षेत्र के दौरे के क्रम में गोल मटोल जवाब देते हुए उन्होंने मीडिया को भी गुमराह किया। कहते कहां जगदानंद सिंह का इस्तीफा है। कल भी उनकी अपने लालू प्रसाद यादव जी से बात हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, जगदानंद सिंह उनके साथ है। लेकिन सभी जानते हैं कि तेज प्रताप यादव के कारण जगदानंद सिंह खासे नाराज चल रहे हैं और वो इस्तीफा भी दे चुके हैं, जैसा कि सूत्र बताते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई स्पष्ट घोषणा नहीं है। देखिए क्या कहते हैं तेज प्रताप यादव। बिहार की राजनीति में एक तरफ जहां भूचाल आ चुका है, चाहे भाजपा हो, राजद हो या जदयू, सभी में वरीय नेताओं ने अपने अपने तरीके से विरोध के स्वर सामने लाने लगे हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे का अंदाज ही कुछ अलग है। तेज प्रताप यादव ने मीडिया को गोल मटोल घुमाकर जगदानंद सिंह के मामले पर स्पष्ट बोलने से इनकार किया और कहा वो अपने क्षेत्र में आए हैं। हालांकि चिराग पासवान पर भी दिया बड़ा बयान। कोरोना के नाम पे केवल इन लोगों ने घोटाला करने का काम किया सरकार में, और हमारा विधानसभा वहाँ से जीते हैं, प्रतिनिधित्व किए हैं, हम जा रहे हैं क्षेत्र। सिंह आपसे नाराज चल रहे हैं, इस कारण उन्होंने अपना इस्तीफा पेशकश किया है। कहाँ इस्तीफा दिया उन्होंने? उन्होंने यह भी बोला है कि मेरा हाथ नहीं चलता है, मेरा कलम चलता है। नहीं, कहाँ इस तरीके का बात उठा है, इस्तीफा कहाँ दिया है उन्होंने? हमारी तो पिताजी से भी कल बात हुई है, उन्होंने तो इस बात को खंडन करने का काम किया। उन्होंने आप ही से नाराजगी क्यों जाहिर कर रहे हैं? हमसे क्या नाराजगी है, हम क्या हैं जो हमसे नाराजगी करेंगे? वो आप तो अंकल सब से प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं वो नाराजगी उन्हीं से है। नहीं तो क्या कह रहे हैं वो नाराजगी, मतलब नाराजगी कैसा होता है? नाराजगी चिल्लाने वाला नाराजगी होता है, कैसा नाराजगी का बात कर रहे हैं आप बताइए बताइए। सर जगदानंद सिंह बने हुए हैं ना आपके साथ? हमारे साथ, पूरे पार्टी के साथ हैं, सबके साथ हैं। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से चिराग पासवान लगातार पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप लोग उनका स्वागत करेंगे? देखिए नौजवान हैं वो, और अपने तरीके से सब लोग हैं समाज में और काम कर रहे हैं, तो नौजवान है तो नौजवान नौजवान का साथ देता है। महागठबंधन में उनको शामिल करिएगा सर। महागठबंधन में तो आप दूसरी तरफ बता दें कि तेज प्रताप यादव के बयान और उनके नए व्यवसाय को लेकर के निखिल आनंद ने भी एक आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल में अपने विवाद की वजह से, अपने जुबान की वजह से अगर किसी बड़े बड़े नेता जैसे रघुवंश प्रसाद सिंह का नाम लिया उन्होंने, फिर उन्होंने रामचंद्र पूर्वे का नाम लिया, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी जैसे बड़े नेता की अवहेलना हो रही है, तो ये निश्चित तौर पर एक नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर तेज प्रताप यादव कोई नया व्यवसाय अगरबत्ती का खोलते हैं तो तेजस्वी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि खुद ब खुद तेज प्रताप राजनीति से अलग हो जाएंगे, जैसा कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर की राजनीति के लोग भी शामिल हो सकते। तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव के अपने व्यवसाय खोलने पर ही निखिल आनंद ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि तेज प्रताप और राष्ट्रीय जनता दल एक पारिवारिक पार्टी है, और अगर वो व्यापार में शामिल हो रहे तो इसका मतलब तेजस्वी यादव का रास्ता भी साफ हो गया है। छोड़ने पर मजबूर किया गया था, उसके बाद अब देखिए कि जगता बाबू जिस तरीके से मजबूर हो गए हैं, और रघुवंश बाबू की बात लें, शिवानंद तिवारी की बात लें, जितने वरिष्ठ नेता हैं वहां बार बार अपमानित होते रहते हैं, वहां विधायकों की औकात पूछी जाती है और उल्टे विधायकों से सरेंडर करा के माफी मंगाया जाता है, और परिवार
किसी तरह केंद्र में रहे और लोग पिछलग्गू बने रहे झोला झंडा उठाने के लिए, वहां मजबूरी की राजनीति है। और जगता बाबू जैसा शख्सियत किस तरीके से किस कसमकस में वहां अपनी जिंदगी बिता रहे हैं ये तो वही जाने। मुझे लगता है कि अब राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल बहदवासी के तौर से गुजर रही है, अंदर में भगदर की स्थिति है। लालू जी निश्चित तौर पर क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए लगे हुए होंगे। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी अब अपना जनाधार एक बार फिर से बनाने के लिए जब लोजपा के नेता, लोजपा अभी इसलिए कहेंगे कि अभी लोजपा के दो अलग अलग धड़े हैं, लेकिन अभी लोजपा दोनों शब्द इस्तेमाल करें, दोनों दल दोनों जो है वो लोजपा शब्द को इस्तेमाल करें। इसलिए चिराग पासवान जब आशीर्वाद यात्रा में बेगूसराय खगड़िया दलसिंहसराय के जगह उन्होंने जब अपने आशीर्वाद यात्रा के क्रम में लोगों की भीड़ देखी तो उत्साहित हो गए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो ये नहीं कहते कि लोक जनशक्ति पार्टी से जो टूटे हुए लोग हैं वो जदयू में जल्दी शामिल हो जाए, उनके लिए बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि ये पापा की पार्टी है और उसको बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं और लोगों का अपार जनसमूह मिल रहा है। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो निराशा हुई उन्होंने कहा कि वो इसको लेकर के हाईकोर्ट नहीं गए थे, अब लीगल कमेटी ही इस पर जवाब देगी। देखिए क्या कहते हैं चिराग पासवान, इसके बाद वो दिल्ली रवाना होगी। बिहार में चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा से लोक जनशक्ति पार्टी की स्थिति कितनी मजबूत हो रही है ये चिराग पासवान अपने दौरे के क्रम में समस्तीपुर खगड़िया बेगूसराय में देख रहे हैं। उन्होंने साफ मीडिया का जवाब देते हुए कहा कि अब जल्द से जल्द पारस जी को और टूटे हुए पार्टी के नेताओं को जदयू में शामिल हो जाना चाहिए। हालांकि एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी अब और मजबूत बिहार में होगी और वैसे लोगों को सबक भी सिखाएगी। 6 बजे लीगल टीम से ही मेरी मुलाकात है, इसलिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, वैसे मैं कानूनी जानकार हूं नहीं तो मेरी लीगल टीम ही इसको बेहतर एक्सप्लेन कर पाएगी। पर ये जो पर्टिकुलर विषय था ये सिंबल को लेकर नहीं था, ये विषय ऐसा नहीं था जिसमें हम लोग इस बात की मांग कर रहे थे हम लोग या ये लोग कि ये सिंबल की मांग कर रहे हो या किसी और चीज़ की मांग कर रहे हो। ये वाला विषय चेयर को लेकर, चेयर ने जो एक निर्णय दिया था स्पीकर साहब की तरफ से, जो संसदीय दल का नेता बनाने का जो फैसला लिया गया था उसको लेकर हम लोग कोर्ट गए थे कि भाई इस फैसले को बदला जाए। तो कोर्ट ने भी बहुत विनम्रता से इस बात को कहा है कि ये क्योंकि ऑलरेडी विचाराधीन है स्पीकर के पास, तो हम लोग को इसके लिए चुनाव आयोग जाना चाहिए। तो बहरहाल आज शाम को हम लोग की मीटिंग है, तो जैसा लीगल टीम एडवाइस करेगी हम लोग वाली है। सामने में चाचा मंत्री भी बन गए हैं। अरे मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको, मंत्री बने हैं उसके लिए उन्होंने पूरे परिवार को तोड़ा, पूरी पार्टी को तोड़ा, बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया, उसके बाद वो मंत्री बने, उसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ी माँ से मिले, अभी बहन से मिलकर आया, रो रहे हैं, चिराग क्या भावनात्मक हो रहे हैं कि जो शख्सियत। देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारे इमोशंस मेरे अंदर से उभर रहे हैं भाई, परिवार टूटा। आप कल्पना कीजिए ना, एक ऐसा लड़का जिसके पिता का निधन अभी कुछ महीने पहले हुआ, जिसके परिवार ने उसके साथ ऐसा किया, तो यकीनन भावनाएं भी बहुत बड़ी हुई है। पर वहीं यही चीज मुझे ताकत भी देता है, जिस तरीके से जन सैलाब हम लोगों ने हाजीपुर में देखा, समस्तीपुर में देखा, बेगूसराय में देखा, खगड़िया में देखा, और हम ही नहीं आप ही सबके कैमरे इस चीज को दिखा रहे हैं, तो वो चीज मुझे ताकत भी देती है। एक बात का विश्वास, आज की ये रिकॉर्डिंग रखिए, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे वापस दिखाइएगा, लड़ूंगा जीतूंगा। ये पार्टी पापा के खून पसीने से बनाई हुई पार्टी है, ये पार्टी भी मेरे पास रहेगी और जन समर्थन जो मुझे मिल रहा है वो मेरा मनोबल बढ़ाएगा। ये चुनाव के वक्त चर्चा करेंगे ना, आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी को आगे लेकर जाने की है। आशीर्वाद यात्रा को पूरी तरीके से इसी तरीके से बिहार के हर एक जिले में घूम घूम कर आशीर्वाद लेने की मेरी प्राथमिकता है। चुनाव के वक्त गठबंधन क्या रहेगा, गठबंधन का क्या स्वरूप रहेगा, जब चुनाव सामने आएंगे तब चर्चा। कोरोना काल को लेकर के पूरे प्रदेश की पुलिस पूरी कहीं ना कहीं अपने आप को सिमट कर रख दिया था कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए या लोगों से बचाव करने के लिए सड़कों पर या विभिन्न स्थलों पर, लेकिन अब कोरोना संक्रमण का दौर खत्म होते ही अब पुलिस को एक बार और मजबूत प्रदान करने के लिए बिहार पटना एटीएस टीम ने देर रात अचानक एक होटल में आतंकवादी की सूचना पर छापेमारी प्रारंभ कर दी। हालांकि बाद में अफरा तफरी का माहौल हो गया, होटल कई लोग भागते नजर आए, लेकिन इस बार की सूचना बात मिली कि एक मॉक ड्रिल था, यानी कि एक ट्रैप था आतंकवादियों को पकड़ने का, और अचानक एटीएस की पुलिस पूरे काले लबादे में
होटल में घुस गई, उसके तीनों फ्लोर पर अलग अलग जगह अपना पोजीशन ले लिया था। हरकम समझ गई थी, होटल के कई कर्मचारी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन बाद में जब मालूम हुआ तो ये वर्ग एक अच्छा ट्राई था अगर पटना में आतंकवादियों की घुसपैठ हो तो, क्योंकि लगातार इंडियन मुजाहिदीन एवं आतंकवादियों की कार्रवाई की वजह से अब एटीएस टीम को मजबूत किया जा रहा है, जिसका एक उदाहरण था। देखिए क्या कहते हैं वहां के इंस्पेक्टर और ये एटीएस की कार्रवाई। कोरोना संक्रमण काल में पुलिस को सतर्क रखने के लिए मॉक ड्रिल एक महत्वपूर्ण एजेंडा होता है, जिससे सभी पुलिसकर्मी अपने तकनीक तैयारी से आतंकवादियों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। राजधानी पटना के एटीएस टीम ने अचानक एक होटल में घुसे तो पूरे हड़कंप मच गया। हालांकि कहा जा रहा था कि वहां आतंकवादी घुसे हैं, लेकिन बाद में इंस्पेक्टर के द्वारा कहा गया ये मॉक ड्रिल है। गतिविधि के कारण जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये हम लोग का रूटीन वर्क है और आए दिन हम लोग मॉक ड्रिल करते ही रहते हैं। इससे पहले भी हम लोग मॉक ड्रिल कर चुके हैं। आज हम लोग ने जो हाइटल आइसोलेशन जो है आपका लेमन ट्री होटल, इसका हम लोगों ने आज मॉक ड्रिल किया। लोगों का क्या था, मतलब अचानक से इस तरह का हम लोग का ये रूटीन वर्क है और इसके अलावा भी बहुत से जो इम्पोर्टेंट प्लेस है उसका भी आगे भी किया जाएगा। उसका पूरा नाट रूपांतरण यहाँ किया गया था। तो क्या लगता है कि जो दरभंगा ब्लास्ट के बाद जो है ये घटनाएं जो हुई है उसके लगता है कि उसके बाद से इस तरीके का पहले हम लोगों ने मॉक ड्रिल वगैरह काफ़ी किया है। कोरोना काल में आपने होल्ड किया था उसको, उसके कारण कुछ प्रभावित हुई है, लेकिन उसके बाद में हम लोग का रूटीन वर्क चालू हुआ। क्या नाम है सर? SI निरंजन। क्या है? SI निरंजन।